हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? तो आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ सिलाई। प्लाज़ो मैंने कट करके रखा हुआ था, पेंट प्लाज़ो, तो वही मैं सिल रही थी। तो आज मैं खड़े होकर ही सिलाई कर रही हूँ क्योंकि जो बाबू है वो पास में ही है मेरे, तो भाग भाग के उसको भी देखना पड़ता है। तो सिलाई ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी दिन से कटा हुआ रखा था। तो बने रहिए ब्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी बस खाना बनाने ही जा रही हूँ मैं, ये सिलाई निपटा कर। और यहाँ पे ना दलिया रखा हुआ था, तो मैं दलिया जो है एक बार में ही भून के स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि जल्दीबाजी में कभी बनाना होता है तो झटपट से बना लेती हूँ। और दलिये को हमेशा भूनकर ही बनाना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो हीक नहीं आती है, फिर एक अजीब सी जो महक आती है ना ठंडे दलिये में, वो नहीं इसमें आएगी। और ये दूध आया था खीस, यानी जिसको हम खीस बोलते हैं गाय का, तो वो मैं पका रही हूँ। यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है, गुड़ नहीं था मेरे पास। गुड़ का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो बस अभी बारिश भी हो रही है, बारिश के मौसम में खीस खाने का अलग ही मज़ा होता है। और जहाँ से दूध आता है हमारा, वहीं से आया था खीस। मुझे बहुत पसंद है पर मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ क्योंकि हैवी हो जाता है, बहुत कम खाती हूँ। तो अभी बस हस्बैंड जी को मैं देकर आऊँगी और उसके बाद खाऊँगी मैं भी। तो यहाँ पे खीस मेरा बस बन ही रहा है। तो आज कल जो है मेरा ब्लॉग जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे बाबू भी यहीं खेल रहा है मेरे पास में ही, और ध्रुव के पापा उधर बैठे हुए हैं जहाँ हम लोग सोते हैं उस वाले बाहर वाले रूम में। तो अभी बस बन चुका है और ध्रुव तो नहीं खाएगा, ये नहीं खाता है ये चीज़ बिल्कुल नहीं। इसने सूंघी भी नहीं, मैंने बहुत इसको कोशिश की खिलाने की पर इसने नहीं खाया। ये सिर्फ दूध पीता है या चावल खाता है नमक वाले, यही दो चीज़ें इसको पसंद आती हैं। और ये बनकर पूरा पक गया है, देख सकते हैं आप, बॉयल भी अच्छे से आ गया है इसमें। और ये मैंने सर्व कर लिया अपने लिए, हस्बैंड जी को मैं दे आई हूँ। और गर्मा गर्म खीस खाने का बहुत ही अलग ही मज़ा है, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। कि कौन कौन ये सब खाता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो बहुत खाती हूँ, गाँव में बहुत खाते थे हम लोग, हमारे घर भैंस हुआ करती थी तो हम लोग बहुत खाते थे। तो बस चलती हूँ अभी, यही है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। और वो जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी वो कल की थी, ये नेक्स्ट डे है आज। और बारिश हो रही है बाहर, सुबह सुबह का मौसम है, ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, फिर मैं अपना डिनर दिखा रही हूँ आप लोगों को। शाम का डिनर में मैंने बनाए थे आलू के पराठे और आलू की सब्ज़ी और चावल, जो कि बहुत ही टेस्टी खाना लगा। और बहुत दिन के बाद आज आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। बहुत कम बनाती हूँ आलू के पराठे क्योंकि हैवी भी होते हैं, ऑयली भी होते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं बहुत कम ऑयल में मैंने बनाए हैं, बिल्कुल बहुत धीरे। तो खाना मेरा पूरा देखिए यहाँ पे तैयार हो गया है। और ज़्यादा ब्लॉगिंग में नहीं कर पाई थी, आलू चावल तो सब बना ही लेते हैं। और यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे हैं तैयार, तो आ जाइए खाने के लिए। बस अभी मैं सर्व करने ही जा रही थी तो सोचा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। और चावल भी यहाँ पर रेडी हैं देखिए, और ये सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है आज क्योंकि मैंने उबाल कर आलू बनाए हैं। और ये जो वीडियो है मेरी वो नेक्स्ट डे की है। यहाँ पे मैं जो अपने बाल है ना वो स्ट्रेट कर रही हूँ, बहुत दिन के बाद मन हुआ बालों को स्ट्रेटनेस देने का, तो आज मन कर रही हूँ। और ये स्ट्रेटनर मैंने ब्लॉग में, पिछले ब्लॉगों में मैंने बताया भी है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, बहुत ही सस्ता पड़ा मुझे, 200 से भी नीचे का है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिवल है। और मेरे कितने लंबे लंबे बाल हैं ना, ये भी स्ट्रेट कर देता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और बार बार पार्लर जाने के झंझट से बच गई मैं। और पता है एक बार में ना पार्लर वाली 300 ऐसे 250 ऐसे पैसे ले लेती थी, तो मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे स्ट्रेटनेस बहुत पसंद है बालों में, तो मैं स्ट्रेट करके। और ये देखिए बाल मेरे स्ट्रेट हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है। तो स्ट्रेटनर से क्या होता है, बाल थोड़े से हमारे जो है कमज़ोर भी हो जाते हैं प्रेस होने से, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ी थोड़ी ही मैंने की है ऊपर ऊपर, और अच्छे से करती तो बहुत ही अच्छे हो जाते। मीशो पे ना गाइस बहुत ही इफ़ेक्टिवल चीज़ें मिलती हैं और एकदम कम रेट में, तो मुझे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है मीशो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। और आप अगर ये मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लेना, मंगवा लेना। तो
तो चलिए गाइज, अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। और आज का ब्लॉग भी मेरा बहुत ही छोटा है और सिंपल सा है, तो प्लीज़ आप लाइक करना और अपना टाइम ज़रूर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय।